उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लाख दावे कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के कन्नौज में देखने को मिला, जहां अवैध कब्जा धारकों ने खुलेआम गुंडाई कर दरोगा का सिर फोड़ दिया। आपको बता दें कि सिकंदरपुर के गांव चंद्रपुर में हवलदार सिंह की जमीन पर करीब 1.5 वर्ष से सेवानिवृत्त शिक्षक देवेंद्र सिंह कब्जा किए हैं। इस 8 बीघा जमीन को खाली कराने के लिए हवलदार सिंह लगातार अधिकारियों से फरियाद कर रहे थे। रविवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर चौकी इंचार्ज योगेश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच एक पक्ष के कुछ लोगों को चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया, जिन्हें छुड़ाने के लिए परिवार के अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से दरोगा और सिपाहियों को मारा पीटा, दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। इन सब के बीच दरोगा की पिस्टल गिर गई। पिटाई में दरोगा का सिर फट गया। प्राथमिक उपचार के बाद चौकी इंचार्ज को रेफर कर दिया गया। चंद्रपुर गांव में थाना सिबरामऊ के अंदर अंतर्गत पड़ता है, वहां पे जमीनी विवाद की सूचना थी, जिस पर हमारी पुलिस टीम गई हुई थी। चौकी इंचार्ज सिकंदरपुर में पुलिस टीम गए हुए थे और वहाँ से लौटते समय कहीं पर जमीन का दूसरा मैटर विवाद चल रहा था, जहाँ पर खेत जोतने को लेकर मारपीट हो रही थी। उस सूचना पर पुलिस ने प्रयास किया कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, तो पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें जो है हमारे चौकी इंचार्ज को लाठियों से काफ़ी चोटें आई हैं और उनको यहां पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके और सर्जरी पर किया गया। पता लगा। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंचने पर हमला करने वाले लोग भाग गए। वहीं पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कन्नौज से एनडीटीवी भारत के लिए राम ऋषि पांडे की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।